जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली पहुंचे अखिल भारतीय जाट महासभा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने भाजपा नेता कमल त्यागी को गिरफ्तार करने की मांग की। पुलिस ने आरोपी नेता को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि मामला एक धर्मशाला से जुड़ा है, जहां हाल ही में दबंगई के बल पर जबरदस्ती कब्जा करने का आरोप भाजपा नेता पर लगा। इसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। रविवार को जाट महासभा से जुड़े कार्यकर्ता और पदाधिकारी गढ़ कोतवाली पहुंचे और आरोपी को पकड़ने की मांग की। थाने पर आने का विषय ये है कि अभी दो दिन पूर्व हमारी ये जाट महाधर्मशाला है, इसके ऊपर कमल त्यागी ने अवैध रूप से हमला किया, वहाँ लोगों के साथ बदतमीजी की। तो इस आधार पे हम लोग इकट्ठे हुए हैं, शासन के सामने अपनी रिक्वेस्ट रख रहे हैं और भवन निर्माण हो सके इसलिए हम सब मिलकर आगे की भवन निर्माण वो करेंगे। अच्छा, पुलिस ने क्या आश्वासन दिया है? पुलिस अभी तक आश्वासन दिए गए, पुलिस का आश्वासन ये है कि शीघ्र ही पकड़े जाएंगे, दबिश दी जा रही है और दबिश देने पर जब भी हम मिलेंगे। उसके बाद तो रोज पक्का दफ्तारी होगी, कार्रवाई होगी। ऐसे थोड़ी कितना टाइम हमें दे रहे हैं, हम चले जाए आपके कहने से माफी मांगी सर, मगर छोड़ो, चलो माफी मांगा, सुंदर जाएगा लेकिन गलत काम करा, दंडित करने वाला प्रशासन है। पक्का गिरफ्तारी होगी, कार्रवाई होगी। ऐसे थोड़ी कितना टाइम हमें दे रहे हैं, हम चले जाए आपके कहने से बता रहे बिल्कुल होगी। आप मैंने पूरा पता लगा लिया है, यहाँ का जो इतिहास है उसकी गलत। उसके बाद तो रोज बिल्कुल होगी। आप मैंने पूरा पता लगा लिया है, यहाँ का इसका जो इतिहास है उसकी गलत। उसके बाद तो रोज जाट संगठन, जाट संगठन जिंदाबाद, जाट एकता जिंदाबाद।